हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीरज और स्वागत है आपका आईटीआई ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईटीआई में एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी अभी 10th किए हैं या जो भी स्टूडेंट अभी 12th करके पास हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, वह आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आईटीआई में जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 1 जुलाई के लिए अभी 1 हफ्ता बाकी है। तो अगले हफ्ते से आपका जो एडमिशन है उसकी प्रक्रिया पूरी चालू हो जाएगी। तो अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 जुलाई से सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा तो आप आईटीआई कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं या प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए एडमिशन ओपन हो जाएंगे 1 जुलाई से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है तो आपका जो आईटीआई में एडमिशन का फॉर्म है वह भर जाएगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन वह 10th के परसेंट के हिसाब से होगा, मतलब अगर आपके 10वीं में अच्छे परसेंट हैं तो आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। जो अच्छी ट्रेड से मतलब है जो जिसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है, जैसे फेटर ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, कोपर ट्रेड होता है, इनकी जो डिमांड होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। यह ट्रेड आईटीआई में बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके 10th में 12th में अच्छे परसेंट होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए राउंड टू राउंड एडमिशन होता है, मतलब आप सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसमें कुछ बच्चों का एडमिशन होता है, इसके बाद कुछ सीट खाली रह जाती हैं तो दोबारा से मतलब दूसरे हफ्ते में एक और लिस्ट जारी होती है, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। इस तरीके से कुल 4 राउंड होते हैं आईटीआई में एडमिशन के, तो 4 राउंड में किसी ना किसी राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। दोस्तों, इस तरीके से यह जो प्रक्रिया है वह आपकी अगस्त तक चलेगी, मतलब आप जुलाई में मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट होकर आपकी यह जो प्रक्रिया एडमिशन की वह 14 अगस्त तक चलेगी, मतलब आप 1 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में कभी भी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपकी क्लास की बात करें तो आपकी जो क्लास है वह 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर से आपके आईटीआई कॉलेज ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आपको रेगुलर जाना होगा कॉलेज आपने, और वहाँ पर आपको अटेंडेंस भी डलेगी, रेगुलर आप वहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और अपना जो थ्योरी की पढ़ाई भी है वह भी वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर से आपकी आईटीआई में जो है पढ़ाई चालू हो जाएगी और 1 जुलाई से 14 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, 2021 में जो भी स्टूडेंट आईटीआई में एडमिशन लेंगे उनका एग्ज़ाम 12 महीने बाद मतलब जुलाई 2022 में होगा, तो 1 साल बाद अगर आपकी ट्रेड 1 साल की है तो आपका एग्ज़ाम जुलाई 2022 में होगा। अगर आपकी 2 वर्ष की ट्रेड है आपका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वह भी जुलाई में होगा। दोस्तों, आप सभी कोशिश ज़रूर करें कि आपका जो एडमिशन है वह गवर्नमेंट कॉलेज में है और बहुत ही अच्छी जो ट्रेड होती है जैसे फिटर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, कोपर ट्रेड होता है, इनमें आपका एडमिशन हो तो आप बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपके लिए जो वैकेंसी आती हैं, जो भी जॉब ऑफर होते हैं, इस स्टेट में बहुत ही जल्दी आपको जॉब मिल जाती हैं। दोस्तों, आईटीआई में एडमिशन से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कब से आपको फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है और कौन सी स्टेट आपको चुनना होगा, किस तरीके से आपका एडमिशन होता है, सारी प्रोसेस सारी प्रक्रिया हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर बताएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको आईटीआई से संबंधित सभी छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अपना नंबर भी लिख देना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे, तो वहाँ से आपको आईटीआई के एडमिशन से संबंधित जो भी अपडेट है, जो भी जानकारी भाई आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलती रहेगी। तो आशा करते हैं इतनी सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।